हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में और अभी डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम जानते हैं आज के वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तीन टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स के, वो हम उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद फूड सोर्सेस क्या क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे सेहत के लिए सबसे अच्छा है, ये हम जानेंगे, राइट। व्हाट इज़ अ गुड कार्ब्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कि भाई कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से बना हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस वो मोस्टली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो कहाँ से मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट, तो वो हमको स्टार्च, शुगर और फाइबर के फॉर्म में मिलता है। कहाँ से, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स और ग्रेन्स, इन सब चीज़ों में से हमको स्टार्च, शुगर और फाइबर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो अब देखते हैं कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है, राइट। तो देर आर थ्री टाइप ऑफ कार्ब्स। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स एंड द थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो सबसे पहले जानेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जैसे कि इसका नाम है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो हमको पता चल जाना चाहिए कि वो एक सिर्फ वन और टू शुगर मॉलिक्यूल से ही बना हुआ होता है और उसकी वजह से वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में। और उसके बाद जब ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, तो वो एज अ ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है हमारी ब्लड स्ट्रीम में, राइट। और ये सिर्फ वन और टू शुगर मॉलिक्यूल्स का ही बना होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है एज अ ग्लूकोज, राइट, हमारी ब्लड स्ट्रीम में। तो क्या होता है कि जो ब्लड शुगर लेवल होता है हमारी बॉडी का, वो क्विकली राइज हो जाता है, वो बहुत फटाक से ब्लड शुगर लेवल। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो खाने की वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत ही क्विकली रेज हो जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत हो, तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि शुगर है, राइट, फ्रूट जूस है, सोडा, सिरप, मिल्क, फ्रूट, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं एज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट। और जैसे कि मैंने बताया कि एक इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो जब भी किसी इंसान को वीकनेस आ जाए, ऐसा कुछ भी हो, तो हम उसको क्या करता है कि टेबल शुगर थोड़ी सी दे देता है, राइट, ग्लूकोज देता है, तो उसकी वजह से उसकी बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होता है और ग्लूकोज लेवल फटाक से राइज हो जाता है। इस वजह से हम उसको ये टेबल शुगर या कोई भी फ्रूट जूस या ग्लूकोज देता है, ठीक है, सिर्फ यही फंडा है इस चीज़ का। नेक्स्ट देखते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की आप समझ लो कि स्टार्च है, राइट। तो ये क्या होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में जो जो कोई भी ग्रेन्स या सब कुछ होता है, वो एक प्रोसेसिंग उसकी होती है पूरी की पूरी। और वो प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है कि उसके अंदर से जो फाइबर है, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कुछ भी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी की सारी निकल जाती है, ठीक है, पूरा रिफाइंड हो जाता है प्रोसेस के बाद। तो अभी ऐसी चीज़ हम लेंगे कि जिसके अंदर कोई भी फाइबर अवेलेबल नहीं है, विटामिन, मिनरल या एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसी अगर चीज़ें हम लेंगे तो क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्विकली रेज होता है, बिकॉज उसके अंदर फाइबर अवेलेबल नहीं है, राइट। तो स्पाइक इन अ ब्लड शुगर वेरी क्विकली एज नो फाइबर अवेलेबल इन रिफाइंड कार्ब्स। और द अनदर थिंग इज़ कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बिल्कुल भी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई चीज़ है ही नहीं, ना फाइबर है, ना विटामिन है, ना मिनरल है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी एकदम ज़ीरो हो जाती है। तो रिफाइंड कार्ब्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि रिफाइंड कार्ब्स से हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत ही जल्दी स्पाइक होता है और वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट है, जो शुगर के पेशेंट है और जो लोग हैं कि जो वेट लॉस डाइट कर रहे हैं, उन लोगों को ये रिफाइंड कार्ब्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
तो रिफाइंड कार्ब्स मेनली क्या क्या है? तो जैसे कि हम रेगुलरली जो कुछ भी हमको टेस्टी लगते हैं और जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं वही है, जैसे कि वाइट ब्रेड है, पास्ता, वाइट राइस, रिफाइंड फ्लोर, मैदा। मैदे की चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं जो कि अच्छी नहीं है। देन बेक्ड गुड्स, पेस्ट्रीज, कुकीज़ एंड सम ब्रेकफास्ट सीरियल्स, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें हमको खाने में बहुत अच्छी लगती है, कुकीज़ है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, ये सब। बट हमको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नहीं ठीक है ये हमारी सेहत के लिए। अगर हाँ आपको पास्ता खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो घर पे बनाओ, हेल्दी बनाओ, ठीक है, वो सब खाओ, ठीक है। बट ये रिफाइंड फ्लोर हो सके उतना कम यूज़ करो, वो आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट वन जो है वो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर मॉलिक्यूल्स की लंबी लंबी चेनें होती है, ठीक है, लॉन्गर चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स। और उसको बिकॉज़ वो बहुत लंबी चेन्स होती है शुगर मॉलिक्यूल्स की, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती है, तो उसकी वजह से उसको ब्रेक डाउन होने में और हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ज़्यादा टाइम लगता है उसके लिए जो ब्लड शुगर लेवल रेज होता है वो बहुत ही स्लो रेट में होता है, बहुत ही धीरे धीरे होता है, राइट? तो वो बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी में सिंपल शुगर के मुकाबले, राइट? तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है कि जिनको कार्बोहाइड्रेट की नीड है, तो मोस्टली वो रिकमेंड करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाएं, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल रेज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने से आपको। और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन सोर्स टू द बॉडी, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा आपकी बॉडी को। और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे बेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। तो अभी देख लेते हैं कौन से फूड सोर्सेस है, जैसे कि कॉर्न है, किडनी बीन्स, चिक पीज, होल ग्रेन्स, लिक पीस, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, ब्राउन राइस, बार्ली, ओट मिल्स, माइलेट्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डेली बेसिस पे कंज्यूम करनी है, बिकॉज़ ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करनी है, मेंटेन करनी है, तो आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ दीजिए और ये जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, ये जितने भी मैंने बताए ये सब खाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? तो ये अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइंड। तो याद क्या रखना है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपको नहीं खाना है, स्टार्च नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है। खाना क्या है? होल ग्रेन्स है, ओट मिल्स है, माइलेट्स है, बाजरा, रागी, ज्वार, जो हम बोलते हैं गेहूँ, वो सब खाओ, वो सब अच्छा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो फॉलो इन इंस्टाग्राम न्यूट्रीफैक्ट.ca, राइट? थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।